दोस्तों ये सी का स्विच आप देख रहे हैं ये मैंने सी फुल करवाई थी इसमें और आठ किलो सात सौ ग्राम के लगभग सी आई थी इसमें और अभी भी ये रिजर्व में रिजर्व में है स्टार्ट है गाड़ी तो अभी भी ये चल जाएगी सात आठ किलोमीटर और मेरी गाड़ी टोटल कितना चली है देख लीजिए आप दो किलोमीटर गाड़ी चली है मैंने जीरो रीडिंग कर दी थी उस समय पर और साथ ही साथ इसमें बता दूं मैं चार पांच किलोमीटर मैंने पेट्रोल पे चलाई होगी क्योंकि मैं मॉर्निंग में जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूं तो एक दो किलोमीटर पेट्रोल पे चलाता ही हूं ताकि लुब्रिकेशन प्रॉपर बना रहे इंजन में तो देखिए दोस्तों आठ किलो सात सौ ग्राम में अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो 270 किलोमीटर गाड़ी चली तो 31 का माइलेज दिया इसने वो भी डेली में ट्रैफिक में और रेड लाइट भी आप जानते हैं कैसी होती है दिल्ली में तो अगर दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़िया एवरेज निकाल रही है गाड़ी हाईवे पे मैं अगर इसको लेकर के जाऊं तो हाईवे पे देगी ये पैंतीस के आसपास पैंतीस से भी प्लस हो जाती है तो ये कैसे संभव है ये संभव है तीन चीजों से दोस्तों मैं आपको आज तीनों चीजें बताता हूँ सबसे पहला जो भी आपकी सी एन जी किट लगी हुई है वो बहुत प्रिसाइज ट्यूनिंग के साथ होनी चाहिए एंड टू एंड उसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए एंड टू एंड इसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए मतलब प्रॉपर वे में इंस्टॉलेशन हो प्रॉपर वे में उसकी मैप की सेटिंग हो और बाकी दूसरी सेटिंग्स हो और दूसरा सी किट बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए सी किट आपकी जो है बिल्कुल स्पेसिफाइड होनी चाहिए आप काफी लोग ये कहते हैं सी किट से कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी कोई सी भी किट लगवा लो हर गाड़ी में कामयाब है पर आपने काफी लोगों को देखा होगा या सुना होगा कि काफी लोगों को सीएन किट उतरवानी पड़ जाती है पुरानी और नई किट लगवानी पड़ती है उसके पीछे क्या कारण है कि कंपेटिबिलिटी नहीं हो पाती बट हां मारुति के और हिंडे के बारे में मैं कहूंगा कि इस पर ज्यादातर सीएन किट कंपेटिबल होती है चाहे आप कोई सी भी लगा लो चाहे इंडियन किट लगा लो चाहे इटालियन लगा लो सारी किट बेहतरी परफॉर्म करती है और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका ड्राइविंग स्किल अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है और अगर आप एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा नहीं करते गाड़ी को एकदम से नहीं उठाते हो नॉर्मली जो एक चलाना होता है इस तरीके से आप ड्राइव करते हो डेली में मैं साठ पैंसठ साठ पैंसठ के लगभग इसको ड्राइव करता हूं सत्तर भी ले जाता हूं हाईवेज़ पर जहां पर स्पीड लिमिट सत्तर है कहीं कहीं पर पर पचास दिल्ली में है तो पचास साठ पचास साठ अगर आप चलाएंगे तो ये माइलेज निकल के आएगा विदाउट एसी तो क्या गलत है दोस्तों और इतना बेहतरीन अगर चल रही है आठ किलो सात सौ ग्राम गैस में तो इससे ज्यादा बेहतरीन सी का परफॉर्मेंस और नहीं हो सकता है आप कंपनी फिटेड भी लेंगे तो वो मैक्सिमम जो है चलेंगी तीन, दो सो नब्बे और तीन सौ के लगभग वो भी वैगनार अगर आप चलाते हैं तो तीन सौ के लगभग चलती है हाईवे पर वैगन अगर कंपनी फिटेड सी है जो नई आजकल की गाड़ियां आ रही हैं उसमें तो ये तीन चीजें संभव है प्रिसाइज आपकी किट होनी चाहिए प्रिसाइज ट्यूनिंग होनी चाहिए और आपका ड्राइविंग स्किल्स ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा थ्रोटल नहीं देना बहुत ज्यादा आपको एक्सेलरेट नहीं करना तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरीके से अगर आपका कोई डाउट है कोई गाड़ी से रिलेटेड सीएनजी किट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं